दोस्तों आज शिल्पा शेट्टी काफी चर्चा में है। बहुत से मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो शिल्पा के शुरुआती दिनों की स्टोरी जानते हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि शिल्पा फिल्मों में कदम रखने से पहले वे एक बैक स्टेज डांसर थी, और उससे पहले वे आम लड़कियों की तरह ही अपने कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस देती थी। उनकी असल जिंदगी कैसी थी, क्या वे एक घरेलू लड़की थी या मॉडल थी, आज सभी चीजों का खुलासा इसी वीडियो में आपके साथ करूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि उन्होंने राज कुंद्रा से शादी क्यों की, और यह भी बताऊंगा कि चकाचौंध वाली दुनिया से लेकर आज ऐसी अडल्ट फिल्मों की कंपनी खोलने की वजह भी बताऊंगा, जिसके चलते उनके पति राज कुंद्रा को जेल की हवा खानी पड़ी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब देने पर आप जीजेल्स की तरफ से जीत सकते हैं 2000 रुपए तक का इनाम। इसके लिए आपको इस महीने में सबसे ज्यादा सवालों के सही जवाब देने पड़ेंगे। आप वीडियो को मिस नहीं करें और वीडियो में रहने वाले सवालों का सही जवाब कमेंट में जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं शिल्पा शेट्टी के जीवन के पर्दे के पीछे की हकीकत को। दरअसल शिल्पा ने मुंबई की चेंबूर के एंथनी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। वो एक मिडिल क्लास लड़की थी और अपने कॉलेज लाइफ में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया और बाद में चेहरे पर चमक आई। शिल्पा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म बाजीगर से शुरू की थी, लेकिन इस फिल्म में मुख्य भूमिका में काजोल और शाहरुख खान नजर आए थे, और उन्हें ऐसा रोल मिला था जो आज की फिल्मों में किसी आम लड़की से करवाया जाता है। जी हाँ, फिल्म में वह काजोल की बहन की भूमिका में नजर आई थी, जो बहुत कम देर का सीन था। आगे उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में की, जिनमें अपने मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, बाजीगर, धड़कन शामिल है। शिल्पा शेट्टी ने 90 के दशक में ही खुद के और अक्षय कुमार के बारे में अफेयर की खबरें छापने के लिए एक मैगजीन के खिलाफ केस दर्ज किया था। एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं कि वर्ष 2009 में शिल्पा पर राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि उनकी वजह से उनके पति राज कुंद्रा ने उन्हें तलाक दिया है। इस पर काफी बवाल भी मचा था। हालांकि यह बात सच्ची निकली और राज कुंद्रा अपनी पहली पत्नी को छोड़ शिल्पा के साथ शादी कर लिए थे। लेकिन कहता है ना दोस्तों, गलत करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करता, और आज वही हुआ। आज कुंद्रा जेल के अंदर बंद है और शिल्पा शेट्टी बस अंदर जाने वाली है। दोस्तों बातें हैं आज के प्रश्न की ओर, जो आपको दिला सकता है 2000 रुपए का इनाम। प्रश्न यह है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मैरिज डेट कब की है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी कब हुई थी, यानी कि किस तारीख को हुई थी, जवाब कमेंट में देना है। जी चिल्स आपके जवाबों को देखेगा और महीने के अंत में घोषित करेगा विनर का नाम। आज शिल्पा शेट्टी इतना नीचे आ गई है कि उनपे मॉडल्स द्वारा आरोप लग रहा है। सरलीन चोपड़ा से मुंबई की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा केस में 8 घंटे पूछताछ की थी। इस मामले में सरलीन ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने शिल्पा शेट्टी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सरलीन ने राज कुंद्रा की कारोबार में शिल्पा शेट्टी के शामिल होने की भी बात कही है। सरलीन ने बताया कि राज कुंद्रा ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियो पसंद आती थी। मतलब यह है कि शिल्पा शेट्टी को वैसी फिल्में देखना काफी पसंद है। दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।